आए हैं एक वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के बारे में जानते हैं, पहली बात इसको ग्रुप 14 भी बोलते हैं, दूसरी बात है इसको टेट्रल्स बोलते हैं। टेट्रल्स का मतलब क्या होता है? टेट्रल्स का मतलब होता है ये ग्रीक में टेट्रा से ड्राइव है। टेट्रा मतलब चार, और इस ग्रुप की जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी है वो चार है, इसको इसलिए इसको टेट्रल्स भी बोलते हैं। और इसके नाम से कंपनी भी है, टेट्रल्स कॉर्पोरेशन। ये ग्राफीन बेस्ड जो चिप्स होती हैं उनको बनाती है, तो ग्राफीन बेस्ड ये चिप्स बनाती है, इसी वजह से इसको मतलब कंपनी का नाम ही टेट्रल्स पर है। ठीक है, और इस फैमिली की सबसे जो खास बात है ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्रुप है। आप सोडियम आयन बैटरीज की बात करें, लिथियम आयन बैटरीज की बात करें, आप शीट्स की बात करें, आप कैटालिसिस की बात करें, दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट यूजफुल बोल सकते हो कि ग्रुप है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में दो इनकी प्रॉपर्टी होती है जो सबसे मतलब मेरे मतलब इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, वो होती है कैटिनेशन और दूसरा होता है एलोट्रॉप्स। कैटिनेशन क्या है कि ये अपने ही जैसे मेंबर्स के साथ में, जैसे कार्बन फैमिली है, कार्बन कार्बन जो है अपने ही मेंबर्स के साथ में, अपने ही एलिमेंट्स के साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है। कार्बन कंपाउंड्स की कैटिनेशन की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वजह से है। ठीक है, उसके बाद में है एलोट्रॉप्स। इनके एलोट्रॉप्स भी बहुत सारे होते हैं कार्बन के खुद अपने आप में ही, क्या ग्रेफाइट, ग्रेफीन, C60, देन वी हैव C16 भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो एलोट्रॉपी भी ये शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट जो है दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, इसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। जरूरी नहीं है फेज जो होती है, अगर मतलब एक से मतलब एक ही कंपाउंड जो है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में है सबसे कॉमन चीज, क्या कौन कौन से मेंबर्स हैं? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, SN, इसको टीन भी बोलते हैं, लेड बोलते हैं, देन फ्लेवरेनियम, फ्लेवरियम बोलते हैं इसको शायद, ठीक है। और उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की, वैलेंस सॉरी जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस को 2s2 2p से। इस तरीके से नियॉन क्या है कोर, उसके बाद में सिलिकॉन की 3s2 3p2। तो आप देख सकते हैं मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में एन ऐड हो रहा है और ये 6s2 6p2 तक जाता है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हो सकती हैं? एक +4 होती है और एक +2 भी होती है, दो इसकी बहुत मतलब वेल नोन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। बात करते हैं अटोमिक साइजेस की। अटोमिक साइज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है। अगर हम अटोमिक रेडियस की बात करें और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बट एक्सेप्शन क्या है कि ये जो है इससे क्या बोलते हैं, इससे इसकी आयनाइजेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैं कई बार अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं, ठीक है। जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से जो इनर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करेंगे, होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो वैसा ऑर्डर नहीं फॉलो करती है, वैसे डिक्रीज तो करती है लेकिन आखिरी में जाकर ये इंक्रीज कर जाती है। ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।